स्मॉल फ्रूट छोटे छोटे फल एंड बेरीज, बेरीज इज जामुन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ऑल सॉर्ट्स मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स बोलते उसको जानवर छोटे छोटे जो कीड़े कीड़े, दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड टू। और उसका फेवरेट फूड पसंदीदा खाना कौन क्या है? ग्रास हॉपर एंड बीटल। ग्रास हॉपर को टिट्टू टिट्टुए टिट्टुए बोलते हैं एंड बीटल्स को क्या बोलते हैं? भूंग। ये उसका सबसे पसंदीदा खाना है। अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि उसे क्या क्या खाना पसंद है। बताओ मुझे क्या क्या पसंद है उसको खाने को। अभी ये बताया कि वो ये यहाँ पे रहता है, उसके रहने की जगह, ये उसके दोस्त है फ्रेंड्स है इनके साथ वो रहता है। अब उसको खाना क्या पसंद है बताओ? स्नेक्स, स्नेक्स पसंद है, लिजर्ड पसंद है, LIZARDS लिजर्ड्स, ही लाइक्स टू ईट लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्मॉल फ्रूट्स, बेरीज, बेरीज भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है छोटे छोटे एंड उसका पसंदीदा खाना है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर खाता है वो जो ग्रीन कलर का होता है ग्रास हॉपर जिसको टिट्टुए बोलते हैं, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ही लाइक्स टू ईट एंड ही लाइक्स टू ईट व्हाट ही लाइक्स इट बीटल्स, बीटल्स। नाउ यू राइट द, ये सब आपको अंडरलाइन करना है एंड उसका मीनिंग लिखना है। ओके, स्नेक्स इज कॉल्ड सांप, देन लिजर्ड इज कॉल्ड छिपकली, बेरीज इज कॉल्ड जामुन, ग्रास हॉपर्स इज कॉल्ड टिट्टू, टिट्टुए, 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 देन बीटल्स इज कॉल्ड भंग, एंड व्हाट एल्स इज दिस, और क्या पसंद है उसको खाना, ये उसका फूड है। नोट डाउन एंड सेपरेट बुक, इन योर सेपरेट बुक आल्सो यू कैन नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, दिस इज द फूड, दिस इज द वेरी सेम स्टेज, उसके रहने की जगह, ये उसके फ्रेंड्स है, और इसमें और क्या पसंद है खाना उसको, और क्या पसंद है खाना, स्मॉल फ्रूट्स, स्मॉल फ्रूट्स, फल, फल, छोटे फल, स्मॉल तो यू नो छोटा, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट हैव वी लर्न्ड, व्हाट हैव वी अंडरस्टूड, द सेकंड पैरा, इन द सेकंड पैरा ही सेइंग आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स, कहाँ रहता वो, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स अलोंग विथ माय अदर फ्रेंड, उसके दूसरे दोस्त कौन है, चिंकारा, ब्लैकबर्ग, लाक एंड आई इट एवरीथिंग इंक्लूडिंग, मैं सब कुछ खाता हूँ, उसके साथ साथ मैं क्या क्या और खाता हूँ, स्नेक्स, लिजर्ड, बेरीज, ग्रास हॉपर, बीटल, स्मॉल फ्रूट्स, ऑल दिस इज, और उसका फेवरेट पसंदीदा खाना क्या है, ग्रास हॉपर एंड बीटल्स आर हिज फेवरेट फूड, अंडरस्टूड? नाउ प्लीज नोट डाउन ऑल दिस इन योर बुक, स्नेक्स, सांप, लिजर्ड, छिपकली, बेरीज, जामुन, ग्रास हॉपर, टिट्टुए, बीटल्स, भूंग, स्मॉल फ्रूट्स, फ्रूट मिक्स, फल, स्मॉल मिक्स, छोटा, छोटा यहाँ लिख दूँ मैं आपके लिए, आपको आता है ना छोटा लिखना, ग्रास लैंड, घास के मैदान, डेजर्ट, रेगिस्तान, चिंकारा, ब्लैकबर्ग, काला हिरन, लाख लवा एंड एक और थर्ड वर्ड है इसमें जो मैं आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ, वो है फेवरेट, 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 एफ ए वी ओ यू आर आई।
gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to that to the one produced by the cow. Ooh! I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and drop down wings. It helps me to impress my soulmate. Listen again carefully. When it starts raining, वो बोल रहा है जब बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन, जब बारिश शुरू हो जाता है, we all gather to our favorite grassland. हम सब अपने पसंदीदार grasslands, घास के मैदान में gather होते, gather होना मतलब collect होना, हम लोग जमा हो जाते हैं. We all gather, gather means जमा हो जाना, अपने favorite पसंदीदार घास के मैदान में. Where there are no people to disturb us. जहाँ पे कोई इंसान हमें डिस्टर्ब करना मतलब हमें परेशान है, हमें डिस्टर्ब करना, यू नो, एंड यू टेल टीचर शी सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मतलब मुझे इंटरप्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, हम फ्रीली वो काम कर सकते हैं. जहाँ कोई इंसान नहीं है, पीपल मीन्स इंसान, हमें डिस्टर्ब करने के लिए. आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस. वो बोल रहा है कि वो खुद एक बहुत वंडरफुल खूबसूरत डांस परफॉर्म करता है, पेश करता है. वो एक बहुत परफॉर्म करना मतलब पेश करना. आई परफॉर्म बोल रहा कि वो पेश करता है ए वंडरफुल बहुत सुंदर डांस, नाच परफॉर्म, नाच पेश करता है. कैसे करता है वो नाच पेश करता है? बाय गल्पिंग. गल्पिंग मतलब निगलना. क्या निगलता है वो? एयर, हवा. By gulping air in a special feathery pouch, जो उसके जो neck के नीचे गला जो लंबा है white color, उसके नीचे उसको feathery बोल रहा है, feathery pouch. वहाँ feathery मतलब जो उसके गले में जो feather पता है ना, birds में feather होते हैं, पंख, हाँ feather को पंख बोल सकते हैं ना, जो feathery अलग अलग छोटे छोटे पंख जुड़े हुए रहते हैं, feathery pouch. पाउच मतलब थैला. बाय वो क्या करता है? वो हवा निकलता है और अपने जो गले में जो थैला है, फेदरी पाउच, थैले में हवा डाल के वो आवाज निकालता है. कौन सा आवाज? गाय जैसा आवाज निकालता है. काऊ आपने देखा होगा, गाय कैसे आवाज निकालता है? उसी तरह से आवाज निकालता है वो, हवा निकल के वो आवाज निकालता है. एंड आई डांस विद जॉय. और वो बहुत जॉय मतलब खुशी से नाचता है. विथ पफ्ड आउट फेदर्स. पफ्ड आउट फेदर्स मतलब मेरे फेदर्स जो पंख के पूरे थे उसके शरीर में छोटे छोटे पंख, वो पूरे पफ्ड आउट है, ओपन है, ओपन. पफ्ड आउट फेदर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पफ्ड आउट? बाहर फूला हुआ, बाहर फूला हुआ फेदर्स है. कॉक्ड अप टेल. कॉक्टा मतलब पूछ ऊपर उठा हुआ, उसका जो पूछ है वो ऊपर उठा हुआ रहता है. फेदर्स बाहर फूला हुआ, बाहर फूला हुआ फेदर्स, पूछ ऊपर उठा हुआ. एंड विंग्स, ड्रॉप डाउन विंग्स, जो उसके पंख है वो नीचे रहेंगे, पंख नीचे रहेंगे, जो फेदर्स है वो फूले हुए रहेंगे, और जो उसका पूछ है वो ऊपर उठा हुआ रहेगा. उस तरह से वो नाचता है, बहुत खुशी से नाचता है. इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माय सोलमेट. वो बोला सोलमेट कौन है यहाँ पे? सोलमेट मतलब उसकी वाइफ होंगी. सोलमेट उसकी वाइफ, या उस सोलमेट को इवन जान से प्यारा, उसका जो भी जान से प्यारा है, उसको इम्प्रेस, उसको आकर्षित, अपने तरफ आकर्षक करने के लिए वो ऐसा नाचता है. ये करने से वो इम्प्रेस हो जाते हैं उससे. इम्प्रेस मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाना. फिर से मैं पढ़ रही हूँ, समझो, ध्यान से सुनो. When it rains, जब बारिश आती है, we all gather मतलब हम जमा हो जाते हैं at our favorite grasslands. कहाँ जमा हो जाते हैं? हमारे पसंदीदार घास के मैदान पर. Where there are no people to disturb us here. जहाँ हमें कोई
डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, ओके। डिस्टर्ब मतलब परेशान करने वाला। और आई परफॉर्म, मैं बहुत सुंदर डांस परफॉर्म करता हूँ, पेश करता हूँ, बहुत सुंदर, वंडरफुल। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस, बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया डांस परफॉर्म करता हूँ। बढ़िया, वंडरफुल मीन्स बढ़िया डांस। कैसे परफॉर्म करता है भाई? गल पे मैं हवा को गले के अंदर निगलता हूँ, जहाँ पे मेरे जो फेदर वाले पाउच है, पाउच थैला, और उसमें से मैं आवाज निकालता हूँ, जैसे रिसोनेटिंग नॉइस। इससे रिसोनेटिंग नॉइस मीन्स, रिसोनेटिंग मीन्स गूंज, गूंज, एक ऐसा गूंज निकालता हूँ जो गाय गाय काव निकालता है, उस टाइप का गूंज का आवाज, ऊं करके जैसे काव आवाज करता है। एंड देन ही सेइंग, एंड ही सेइंग आई डांस विद जॉय, फिर बोल रहा है मैं बहुत खुशी से नाचता हूँ, जॉय से, खुशी से, जिसमें मेरे कुछ ऊपर खड़ा हुआ रहता है, जो फेदर्स है मेरे बॉडी में फूला हुआ रहता है, और जो मेरे पंख है वो नीचे गिरा हुआ रहेगा, और इससे मैं अपने सोलमेट, सोलमेट मतलब जो मेरा जान से प्यारा है, उससे मैं अट्रैक्ट करता हूँ, इम्प्रेस करता हूँ। इम्प्रेस करना मतलब आकर्षित करना अपने तरफ। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है पेंसिल से और उसके मीनिंग लिखना है, वो मैं अभी बताऊंगी, ओके। देन यू हैव टू अंडरलाइन एंड राइट द मीनिंग विद द पेंसिल। उसके बारे में पॉक्टा पेट में कुछ ऊपर उठा दी, कुछ
ओके अंडरस्टूड अगेन लिसन कैरफुली डिस्टर्ब परेशान परफॉर्म प्रदर्शन वंडरफुल बढ़िया गल्पिंग निगलना पाउच थेरी रिसोनेटिंग गूंज सोल में जान से प्यारा पफ बाहर फूला हुआ पॉपटा पूछ ऊपर उठा दी उठा देना इम्प्रेस प्रभावित करना तो आपको ये पूरा लिखना है एंड आपका होमवर्क है आपको ये रीड करना है और शॉर्ट में लिखना है उसका शॉर्ट में लिखोगे आप उसको क्या क्या खाना पसंद है खाना क्या पसंद है उसका और उसका कैसे नोट्स बनाना है आपको फूड पॉइंट्स कौन से फूड्स पसंद है देन कहाँ कहाँ रहता है ही लिव्स हियर एंड दो पॉइंट्स देन यू कैन इवन राइट हाउ डज ही परफॉर्म हिज डांस यू कैन राइट अपने ओन वर्ड्स में ये आंसर लिख लो कि वो अपना डांस कैसे परफॉर्म करता है थोड़ा सा अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख लो ओके थैंक यू आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू